Maya idolizing one of the favorites in the country, Mary Kom. सुनी और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि भारत की पहली चैंपियन बॉक्सर निर्विवाद रूप से एमसी मैरी कॉम है। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मां बनने के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, ओलंपिक के मेडल जीते और इतने साल लगातार कंपेटिटिव बॉक्सिंग करना, और अब चूंकि राज्यसभा की सदस्य भी हैं, नए बॉक्सर्स को ग्रूम कर रही हैं, क्या एक जबरदस्त कहानी है उनकी। ये है पूरन लाल जो कि इस मुकाबले के रेफरी हैं। चलिए आज का ये 5वां बाउट है और आखिरी खेल नहीं है, इस बात का वादा है। टेबल टेनिस से हमने शुरुआत की थी, हम आज पहले इंदौर गए थे जहां नवनीत कृष्णा और तानिया ने शो की शुरुआत की, फिर आपने रवि जी को सुना, टेबल टेनिस का एक्शन देखा, अब आपको भोपाल लेकर आए हैं बॉक्सिंग के लिए, बाद में फिर आपको टेबल टेनिस और वॉलीबॉल भी दिखाने वाले हैं। आज के दिन का समापन वॉलीबॉल से होगा और 27 खेल खेले जा रहे हैं इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बहुत सारे खेलों की लाइव कवरेज, बहुत सारे खेलों की हाइलाइट्स और तकरीबन हर इस तरह के हादसे होने नहीं चाहिए, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए किसी भी खिलाड़ी के साथ। तो इन तमाम खेलों की अपडेट्स आपको स्टार नेटवर्क पर लाइव मिलेंगी और हमारी एप्स को भी आप फॉलो करते रहिए। Last game that we'll be covering today, it's going to be volleyball, which also means it's going to be a spiky end to the day, Sunil. You can block all your problems there, the double block. यहाँ interesting शुरुआत हुई है। मेकू तादर जो कि रेड में है, अरुणाचल प्रदेश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, हाइट एडवांटेज है मेरुनिसा बेगम के पास जो कि ब्लू में, थोड़ा सा हाइट एडवांटेज मुश्किल से 1-2 इंच का, लेकिन एक अच्छा खासा हाइट एडवांटेज है। और पिछली जो 4 बाउट्स हुई हैं, 3 जीती हैं ब्लू बॉक्सर्स ने, 1 जीती है इस वेट कैटेगरी की सबसे फेवरेट देविका गोरपड़े ने। मेरुनिसा जस्ट चेकिंग अप द स्ट्रेटजीज ऑफ हर ओपोनेंट मेकू, सम ग्रेट सेव्स, great defensive skills by both the boxers. You need to put your gloves straight away right in front of your face. Now couple of hooks being exchanged, these multiple jabs followed by that. अब तक 2 मिनट में हवाई फायर ज्यादा दिखे हैं, ऐसा लगता है कि दोनों बॉक्सर एक दूसरे को भांप रही हैं फिलहाल। और इस लेवल पर अभी तक हमने जितनी बाउट्स देखी हैं आयुष, बहुत ज्यादा डिफेंसिव गार्ड हमने किसी बॉक्सर के नहीं देखे। देविका गोरपड़े एक लौकी बॉक्सर है जिन्होंने तकरीबन 1.5-2 राउंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन शेल गार्ड जिसे कहा जाता है, टोर्टोइस डिफेंस जिसे कहा जाता है, वो अब तक नहीं दिखा। चूंकि अंडर 19 लेवल है, खिलाड़ी जोश से भरे होते हैं तो ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं। Looking for multiple hooks, not connecting them perfectly. As far as scoring is concerned, you need to be spot on. Once you are perfect with your punches, you'll get scored for that. You look for those three-phased fires. It's going to be tough as far as scoring is concerned. और इतने close out में एक punch, एक अच्छा जैब ही आपको लीड दिलवा सकता है, क्योंकि एक फैन की नजर से यह कहना बड़ा मुश्किल है कि पहला राउंड डोमिनेट किसने किया है, कि दोनों बॉक्सर्स हवाई फायर कर रही थी। ऐसे में जिस एक बॉक्सर ने वो डिसाइसिव पंच लगाए, मुश्किल से 2 या 3 होंगे, उसी ने डोमिनेट किया है। When the action began, it was Neeku right in front of Mehrunisa Begum. Both the players went away with couple of jabs right in front of the face. Sometimes they could connect, sometimes they couldn't. It's not just about attacking, as Sunil mentioned. You should know how to defend and when to defend, when to give that breather to your body. A much wanted break. 3 round hai, 3-3 minute ke, aur हर राउंड के बाद 1 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक आपको मिलता है।
और बहुत जल्द हमें स्कोर भी पता चलेगा। मेरुनिसा बेगम जो कि ब्लू में है 5-0 से, 5-0 से वो लीड कर रही हैं। पांचों जजेस ने इनको 10 का स्कोर दिया है। हर जज एक दूसरे से दूर अलग बैठे होते हैं और हर जज के अनुसार जिस बॉक्सर ने उस राउंड को डोमिनेट किया उसे 10 अंक मिलते हैं। दूसरे बॉक्सर को अमूमन 9 पॉइंट मिलते हैं। अगर डोमिनेट ज्यादा कर लिया एक बॉक्सर ने तो उसको 10 और दूसरे को 8 भी मिल सकते हैं। राइट फॉलोड बाय दैट लेफ्ट जैब एज फार एज मीको इज कंसर्न्ड, बट अ शेयर डोमिनेंस इन राउंड नंबर 1 बाय मेहरुन्निसा बेगम। She is looking for that head start in round 2, giving up ample of space to the opponent, and then stopping each other with a clinch. Once they are done with the clinch, Sunil, they separate with each other and then back again with those couple of jabs in. But I'm looking for those uppercuts. I haven't seen them yet. इस लेवल पर अपरकट हेली के धूमकेतु की तरह होता है जो बहुत कम दिखता है, क्योंकि उसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस चाहिए, जितना एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए, आता है, धीरे धीरे आता है। कुछ एक बॉक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं। इस लेवल पर ज्यादा हमें जैब्स और हुक्स दिखाई देते हैं, और जितने बॉक्सर से हम दोनों ने बात की थी बाउट शुरू होने से पहले, उनसे हमने फेवरेट मूव के बारे में पूछा, तो ज्यादातर ने राइट जैब या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कहा या काउंटर अटैक कहा, अपरकट किसी ने नहीं कहा। और दूसरी बार हुआ है दोनों राउंड में एक एक बार मेहरुन्निसा बेगम स्लिप हुई है। शायद थोड़े पसीने पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पसीना जब मैट पे गिरता है तो खिलाड़ी स्लिप हो सकता है। So she is doing two tasks simultaneously. First of all, just maintaining the balance on the mat, on the playing area, on this ring, and secondly, scoring. That's the biggest of the concern. Miku, he was trailing in round number 1. Less than a minute remaining in round number 2. Clinch once again. A clinch is an unwritten samjhota hota hai dono boxers ke beech mein. Ki chaliye 5-7 minute ka saans aapko bhi chahiye, mujhe bhi chahiye. Jab clinch ki position hoti hai, referees bhi 4-5 सेकंड के लिए इंतजार करते हैं, फिर अलग किया जाता है दोनों बॉक्सर्स को, क्योंकि ये एनर्जी सोखने वाला स्पोर्ट है। और अब मीकू तदा सेंटर को डोमिनेट करने की ट्राई कर रही हैं, वो अब मेहरुन्निसा को रिंग में चक्कर लगवा रही हैं, एक से दूसरे साइड में ले आई हैं, लेकिन एक वार्निंग उनको मिली है रेफरी पूरन लाल की तरफ से। Less than 15 seconds remaining in round number 2. Right after separating each other with that clinch, Miku wanted to score. Line left hook coming in action as far as Mehrunisa is concerned. And this sums up round number 2. Aggressive display देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा decisive punches किसी boxer ने नहीं लगाए, तो 2-3-4 punches ही decide करेंगे। और वो डिसीजन ये आया है कि ब्लू बॉक्सर यानी आंध्र प्रदेश की मोहम्मद मेहरुन्निसा बेगम इस राउंड को भी डोमिनेट करने में कामयाब रही हैं। 5-0 से पहला राउंड उनके पक्ष में गया था, 5-0 से ही दूसरा राउंड उनके पक्ष में भी गया है। तो निकहत जरीन आई एम श्योर ये बाउट्स देख रही हैं, बहुत गर्व कर रही होंगी कि उन्हीं के क्षेत्र की मेहरुन्निसा बेगम ने यहाँ पहले 2 राउंड में बहुत ही बेहतरीन बॉक्सिंग दिखाई है, और बहुत सारा बेहतरीन एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे हम इन 11-12 दिनों में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है और 8 अलग अलग शहरों में ये खेल खेले जाएंगे, और आयुष पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार सारे के सारे खेलो इंडिया गेम्स दिल्ली में हुए थे, फिर पुणे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए थे, उसके बाद हम गुवाहाटी गए थे, 4th संस्करण पंचकूला में हुआ था जिसके कुछ खेल अम्बाला और शाहबाद में हुए थे, लेकिन 8 शहर पहली बार मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। एग्जैक्टली सुनील, एंड 27 डिसिप्लिन्स, द न्यूएस्ट ऑफ द इंक्लूजन इज वाटर स्पोर्ट। सो लेट्स गेट बैक टू बॉक्सिंग एक्शन। दिस इज राउंड नंबर 3। मीकु तदा राइट अगेंस्ट मेहरुन्निसा बेगम। मेहरुन्निसा
first round was in her favor. The second went away in her favor once again. And she'll ask for a timeout. Maybe adjusting the gears. After water sports ki baat ki, I think kuch hafte baaki hai. Bharat ka sabse favorite water sport aane wala hai. Holi. जिसमें आयुष गुब्बारे भर के मारेंगे अपने दोस्तों को। और आप तो वैसे भी राजस्थान से हैं, वहां तो खूब जम के होली खेली जाती है। Indeed, lots of colors, but we just have two colors here in the playing area. One is blue, one is red. We have seen ample of dominance as far as blue color is concerned. Just a single winner, Devika, played from that red corner. This is good exchange. दोनों की तरफ से लेफ्ट राइट का बहुत अच्छा एक्सचेंज हुआ है। जजेस को सिर्फ ये देखना है कि सटीक पंच किसके लैंड किए, मेकू ततार के या मेरुनिसा बेगम के, क्योंकि पंच मारना काफी नहीं है। अगर आपने पंच विरोधी के ग्लव पे लैंड करवाए तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। पंच चेहरे पे लगने चाहिए, अपर बॉडी पे लगने चाहिए। और ये आखिरी राउंड है जजेस को इम्प्रेस करने के, आखिरी डेढ़ मिनट है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी राउंड में दिखाई दे रही है। And Melanissa Begum, she's showing her skills. She's showing all those hooks coming in, sometimes from the right and sometimes from the left. On the other hand, Miku Tadar just focusing on those jabs. तो जैब उनके सभी, ये एक हल्का सा लगा था। पंच लगता है और किस इंटेंसिटी से, किस पावर से लगता है, ये भी मैटर करता है। अगर आपने सिर्फ एक हेलो बोला है विरोधी के चेहरे पर, जैसे ये था, बिल्कुल हल्का सा लगा है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पावर के साथ आपने पंच कितने लैंड करवाए। पहले दो राउंड ब्लू बॉक्सर मेरुनिसा ने डोमिनेट किए थे, तो मेकू तदार को कुछ अद्भुत करके दिखाना पड़ेगा। मेरुनिसा शेकिंग हर हेड एंड पासिंग द साइलेंट कन्वर्सेशन विद हर ओपोनेंट। फाइनल 30 सेकंड्स रिमेनिंग, दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ दिस बाउट। सुनील, नाउ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ Miku is not that high as it was in round number one. She knows that it's going to be tough for her with that clinch. Last 5 seconds. Merunisa Begum ne pehle do rounds 5-0 se jeete the. Kya teesre round mein bhi unko unanimous decision milne wala hai? Kuch aakhri seconds hai. Clap humne sun liya hai. बहुत जल्द इस फ्लाईवेट कैटेगरी के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट आने वाला है। टू कॉम्पिटिटर्स वर अगेंस्ट ईच अदर विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द फाइनल क्वार्टर इन द फाइनल राउंड। मेरुनिसा वाज इन एक्शन अगेंस्ट मीकू। मीकू वाज हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिटिंग अप दोस जैब्स। ऑन द अदर हैंड मेरुनिसा वाज फोकसिंग ऑन दोस Hooks. So yes, here it is, the final confirmation. Sunil, how do you see round number three? What I believe from here is that this is going to be Mehrunisa Begum in round three out as well. Hopefully a unanimous decision, jo ki har boxer ka ek sapna hota hai. अगर स्कोर से फैसला हो तो यूनैनिमस हो। रघुवीर यादव उत्तर प्रदेश ग्रीन कॉर्नर वर्सेस आनंद यादव मध्यम कैटेगरी ब्लू बॉक्सर्स। एज एक्सपेक्टेड तीनों के तीनों राउंड्स मेरुनिसा बेगम जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, उन्होंने डोमिनेट किए और यूनैनिमस डिसीजन से इस बाउट को जीतकर अब क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह